फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको जो बैग बताने वाली हूँ, शॉपिंग बैग, वो बहुत ही कमाल का बताने वाली हूँ, जिसमें कहीं पे भी हम कोई भी कट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सिंगल कपड़े से। और फोल्डिंग बैग बनाना बताऊँगी, जो कि बनाना बहुत ही ईजी है। और आप देखना कितना सुंदर बन के तैयार होता है, और सिर्फ 2 मिनट में। जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो भी उसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का। आज हम ये प्यारा सा बैग बनाने वाले हैं, जो कि देखिए कितना सारा इसमें राशन का सामान भर सकते हैं। इसमें और भी आप ज़्यादा राशन का सामान भर सकते हो। और इसमें हमने कहीं पे भी कोई भी कट वगैरह नहीं लगाया है, बिल्कुल सिंपल कपड़े से बनाया है। और आपको भी मैं इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना छोटा सा हमारा बैग बन के तैयार हो जाता है। आप इसको किसी भी अपने पर्स वगैरह में कैरी करके लेके जा सकते हो। ये देखिए बिल्कुल छोटू सा हमारा बैग बन जाता है, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए कितना छोटा हमारा बैग बन गया है। तो आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये देखिए कितना छोटा सा हो गया, और कितना सारा इसमें सामान आ जाता है। तो चलिए आज इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कपड़ा लिया है, जिसकी लेंथ है 30.5 इंच, यानी 35 इंच है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 25 इंच है, यानी 25 इंच। और इसके लिए मैंने एक लाइनिंग का कपड़ा भी लिया है। आप इसको बिना लाइनिंग के भी बना सकते हो, बस मैंने लाइनिंग के साथ इसको बनाया है। और आप किसी भी कपड़े से बना सकते हो, पुरानी बेडशीट वगैरह से। और यहाँ पे अभी जिप को अटैच करेंगे। तो जिप को इस कपड़े के ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे, और इसके ऊपर फिर हम रखेंगे ये लाइनिंग का कपड़ा ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो मैंने ये देखिए सिलाई लगा दी है, और इसको उल्टा रख करके। तो हमारी ऐसे हम जब जिप लगाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग से लगती है। और यहाँ पे हम टॉप स्टिच कर देंगे, और अभी ये दूसरी साइड भी ऐसे जिप को उल्टा रख करके ऐसे लगा देंगे, और दोनों पे टॉप स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने टॉप स्टिच भी कर लिया है, आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए टॉप स्टिच भी हो गया। अभी इसको ऐसे डबल ऐसे रखेंगे एक दूसरे के सामने, और हम रनर इंसर्ट करेंगे। रनर 2 इंसर्ट करने हैं दोनों तरफ से एक एक। तो ये देखिए दोनों रनर इंसर्ट हो गए। अभी जो ये साइड से खुला जो है, इसको हमें चारों तरफ से सीलना है। और ये देखिए जिप कितनी फिनिशिंग से लगी है, इसे चारों तरफ से हम इसको सील लेंगे, ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच हो जाए, और जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट कर देंगे। तो अभी मैंने जिप को सील लिया, और जो भी एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया। तो अभी हम इसको साइड में करेंगे और हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल के लिए मैंने बीच में ये नोन वन का कपड़ा लिया है, जो कि 1 इंच चौड़ाई में कट किया है, यानी 1 इंच। और अभी ऐसे इसके बीच में रखते हुए ऐसे सिलाई लगा करके दोनों हैंडल को तैयार करेंगे, सेम इसी तरीके से इसको भी। तो ये देखिए कितने सुंदर हमारे दोनों हैंडल तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारे हैंडल तैयार हुए हैं। तो अभी हमें हैंडल लगाना है। तो हैंडल कैसे लगाना है वो आपको बताती हूँ मैं। इसमें हैंडल की लंबाई जो है 21 इंच है, यानी 21 इंच। और यहाँ से हम 3 इंच डाउन की तरफ निशान लगाएंगे, और ये सेम यही तरीके से ये साइड भी 3 इंच डाउन की तरफ निशान लगाएंगे। और फिर इधर से अंदर की तरफ हम 1 इंच का निशान लेंगे, सेम ऐसे ही इधर भी 1 इंच का निशान लेंगे। अभी हमें हैंडल को 1 इंच जितना अंदर की तरफ फोल्ड करना है, जितना हम सिलाई करेंगे उतना ऐसे यहाँ पे सेट करेंगे, जहाँ से हमने 1 इंच का अंदर की तरफ लिया है, और इधर भी 1 इंच का फोल्ड करके, और ऐसे यहाँ पे सेट करेंगे। अभी इसके ऊपर हम पिन से सेट कर देंगे, ताकि हम जब ये सिलाई लगाएंगे तो इधर उधर ना हो। इधर भी हम पिन से सेट करेंगे, और सेम यही तरीके से इसी दूसरे वाले हैंडल को भी ऐसे ही सेट कर देंगे। और फिर सिलाई इन पे हमें
अच्छे से लगानी है चारों तरफ। ये देखिए ऐसे सिलाई लगा करके दोनों हैंडल को तैयार करना है। तो ये देखिए हैंडल कितने अच्छे से लग गए हैं, कि इस तरीके से मैंने अच्छी पक्की सिलाई कर दी है इसमें। और अभी हमें इसको बैक को सेंटर निकालना है, तो इस सेंटर के लिए हम जिप को इधर से पकड़ेंगे और यहाँ से जितना आता है वहाँ से कट लगाएंगे सेंटर के लिए, ताकि हमें ध्यान में रहे। सेम इसी तरीके से ये साइड भी हम कट लगाएंगे यहाँ से, ये देखिए। और अभी हम बैक को करेंगे कट के और जिप के बराबर रखेंगे, यानी जो हमारा जिप है इसको हम ये जो हमने सेंटर निकाला कट इसके ऊपर प्रॉपर रखते हुए सेट करेंगे। और यहाँ पे हम पिन से सेट कर देंगे ताकि इधर उधर ना हो हमारा कपड़ा। तो यहाँ पे ये देखिए सेंटर को देखते हुए मैं पिन लगा रही हूँ। ऐसे ऐसे आप करोगे ना तो सब आपका काम अच्छे से होगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। अभी जिप से 3 इंच की दूरी पे, यानी 3 इंच की दूरी पे, और कपड़े को ऐसे जिप जहाँ तक है वहाँ तक हम ऐसे अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड लेंगे। एक फोल्ड, जितने फोल्ड आते हैं आपके, आप अगर इससे बड़ा बना रहे हो तो आपके ज़्यादा फोल्ड आएंगे, और आप अगर बैग इससे छोटा बना रहे हो तो आपका एक फोल्ड में भी काम हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से हम ऐसे पकड़ेंगे और आगे तक हम देखेंगे 3 इंच तक। 3 इंच का है क्या, बराबर आना चाहिए हमारा। ऐसे ही सेम ऐसे देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ पूरा बराबर हमारा 3 इंच आ रहा है देखिए जिप तक। तो ऐसे हम फोल्ड करेंगे अच्छे से सेट करते हुए, बराबर पकड़ते हुए। यहाँ से पहले कट लगा लेंगे 3 इंच का, ताकि हम दूसरा जब फोल्ड करेंगे तब कपड़ा इधर उधर कम ज़्यादा ना हो। तो ये 3 इंच पे कट लगा दिया है, अभी हम इनको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अभी हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि हमें कट के ऊपर तक ही लेना है। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा एक फोल्ड आ गया। अभी बाकी बचे को भी कपड़े को भी हम ऐसे अंदर की तरफ फिर से एक फोल्ड लेंगे, और बाकी पूरे को ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। और ये देखिए 2 फोल्ड आ गए। तो ऐसे यहाँ पे पिन से सेट कर लेंगे। अभी ये सामने वाली साइड भी हम ऐसे ही 3 इंच पे मेजर करके और कट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से 3 इंच का माप करते हुए यहाँ पे कट लगा देंगे, ताकि हमारा बराबर इक्वल बने बैग फिनिशिंग के साथ बने। ये देखिए, और अभी इधर से भी सेम वैसे ही एक फोल्ड लेंगे पहले ऐसे जिप तक हमें कपड़े को लेना है, और फिर ये ऐसे सेट करते हुए दूसरा फोल्ड जाएगा। और ऐसे सेट कर करके यहाँ पे भी पिन से सेट कर देंगे, ताकि हमें सिलाई लगाने में इजी रहे। बस ध्यान रहे जो जिप के पास कपड़ा गया है वो नीचे की तरफ ना जाए, तीनों कपड़ों को पकड़ते हुए पिन लगाना है। ऐसे बराबर अच्छे से सेट करना है, कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पिन लगा करके यहाँ पे सिलाई करेंगे, और सेम इसी तरीके से सामने वाली साइड भी सेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अभी मैंने एक लूप और तैयार किया है, जिसको हम बैग को पूरे को इसमें पैक करेंगे। उसके लिए आप इससे छोटा भी ले सकते हो लूप, मैंने 12 इंच का लिया है। ये छोटे लूप में भी बैग इजीली आ जाता है, मैंने बड़ा लिया है थोड़ा सा। तो इसको यहाँ पर सेंटर पर रखते हुए सिलाई करेंगे, और इसके बाद एक पट्टी लेंगे जिसको यहाँ पे ये रफ एजेस के लिए फिनिश करेंगे, और ऐसे ही सामने वाले साइड भी। तो दोनों तरफ से मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए सिंपल सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे, ये जो बाहर कपड़ा दिख रहा है इसको अंदर की तरफ ऐसे लेते हुए, और इसको अंदर फोल्ड करके ऊपर से
फोल्ड कर देंगे। और ये पट्टी आप अपने पसंद से लगा सकते हो, 1 इंच आधा इंच जितनी आपको अच्छी लगती है, उतनी पतली लगाना चाहो तो पतली भी लगा सकते हो। ये देखिए मैंने अभी पट्टी से फिनिश कर दिया। बैग देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये देखिए कितना सुंदर, कितना छोटा बैग दिख रहा है और कितना ज़्यादा इसमें सामान आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये बैग का आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये देखिए आप इतना सारा राशन इसके अंदर भर सकते हो और फिर भी बैग में जगह खाली है, आप और भी ज़्यादा राशन भर सकते हो। तो इस तरीके के बैग आप घर पे इजीली सिंगल कपड़े से बना सकते हो बिना कोई कट लगाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।